मैं इंडिया का बताता हूँ, इंडिया में जो अप्रोक्सीमेट कैंसर की जो नंबर्स है वो 172,000 के आसपास है ब्रेस्ट कैंसर की, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी कम है जिस तरह से हमारा इंसिडेंस है। अब इसका कारण क्या है, इतना ये जो रजिस्ट्री में जो दे आर नॉन टोकस कैंसर, तंबाकू के कारण जो कैंसर होता है उसके कारण वो अंदर की जो उसकी जो लेयर है वो उसमें डैमेज हो गया, बर्बाद हो गई लेयर, तब हुआ उसको। और नॉन तंबाकू को लेयर बर्बाद नहीं होती, वो रिस्पॉन्ड बहुत अच्छे करता है। मैं डॉक्टर सुशील मांदिने, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नागपुर से बोल रहा हूँ। स्तन का कैंसर क्या कारण है और क्यों होते हैं और इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट लगे, ये अपना मेन क्वेश्चन है। तो देखिए, स्तन का कैंसर का जो मेन लक्षण है और जो कारण है और जो क्यों होता है, इसमें मेन है इसका कारण कि भाई अनुवांशिकता एक मेन कारण है, जो कि पर 10% से कम लोग होते हैं, पर जिसमें कि एज एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रिस्क फैक्टर इसमें बन जाती है। थर्ड इज फीमेल, जनरली हंसने का बात होगा पर नहीं, ये फीमेल में बहुत कॉमन है और मेल्स में नहीं है, पर फिर भी 1% मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है। फोर्थ है इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको हार्मोन की कुछ दवाइयाँ दी जाती है उसमें भी होता है, और कुछ कुछ होता है जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है। मॉडिफाइबल फैक्टर्स का मतलब होता है कि जिसका अर्ली मैरिज हो और लेट मैरिज हो रहे हैं, बच्चे जिनके कम है, या किसी को रेडिएशन दिया गया है ब्रेस्ट पे, ऐसे पेशेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें या जो उसके लक्षण की बात करते हैं, तो मेन जो लक्षण है इसमें वो है स्तन में गांठ होना। जनरली गांठ पर इसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं स्तन की गांठ को, और ये गांठ लगातार बढ़ रही है या निप्पल में से खून जा रहा है, निप्पल अंदर की तरफ हो गया है, स्किन पे अल्सर आ गए हैं, लाल चट्टे हरे चमड़ी पे, बगल में गांठ हो रही है, तो ये संभावना ब्रेस्ट कैंसर की, स्तन के कैंसर की हो सकती है। और अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखता है तो मेरी सलाह रहेंगे कि अर्लीस्ट जल्दी से जल्दी अपने स्पेशलाइज डॉक्टर से मिले, और अगर वो आपको जांच के लिए कहते हैं कि भाई FNAC कर लीजिए या बायोप्सी करिए, तो उसे डरिए मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर डॉक्टर ये जानकर या सलाह देते हैं, इसका मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा शंका है कि ये बीमारी है, तो ऐसे वक्त में अर्जेंटली ये बायोप्सी और FNAC करनी चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो आपको जीत दिलाएगा इसमें, वो रहेगा अर्ली डायग्नोसिस। जितना जल्दी डायग्नोसिस होता है उतना जल्दी हमारा उपचार होगा और उतना ज़्यादा हमारा क्योर की संभावना है। डेटा रेशो क्या है सर इसमें? डेथ रेशो अगर हमारा इंडिया में डेथ रेशो देखें, तो ये जो फिगर बता रहा हूँ मैं, हर साल 178,000 केसेस है, पर हर साल 90,000 कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की डेथ हुई है। तो आप अगर देखोगे तो 60% के ऊपर तो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज का डेथ हो जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाश्चात्य देश के हिसाब से। तो हमारा इसका जो मेन कारण है कि हमारे देश में डेथ रेट इतने ज़्यादा क्यों है, तो मेन जो कारण देखा गया इसमें यह है लेट डायग्नोसिस। और जब पेशेंट आते हैं तो उसका स्टेज ऑलरेडी स्टेज फोर का होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट समय होता है जब पेशेंट को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बीच का, उस समय पेशेंट भटक जाता है और कुछ अलग ट्रीटमेंट ले लेता है, उसके कारण काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो मेन जो ट्रीटमेंट है उसका होता है सर्जरी, और किसी पेशेंट में क्यों है किसी में रेडिएशन की भी जरूरत होती है, और सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। और हो सके तो जब तक, अगर ये ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं मैडम, तो उसमें सिलिकॉन ट्रांसप्लांट होते हैं। इसमें तो अभी US में काफ़ी स्टडीज हुई है, उसमें देखा गया कि जिसको सिलिकॉन ट्रांसप्लांट किए थे उसमें लिम्फोमा बहुत बढ़ गए थे। ब्रेस्ट के कैंसर नहीं मैडम, ये लिम्फोमा है, पर लिम्फोमा भी जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें बढ़ते हैं। और कुछ कुछ द्वितीय पंथी लोगों को हॉर्मोन्स लेते हैं मैडम, खुद जस्ट टू इम्प्लांट ऑगमेंट ब्रेस्ट को बढ़ाने के लिए, उनमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना।